एक अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन में जो भाग लिया था उसका दुष्प्रभाव में एक उड़ता हुआ वायरस जिसको कोरोना बोलते हैं वो केजरीवाल है। इन पे खुद पे अपनी दिल्ली नहीं संभल रही है, उसके अलावा पंजाब में क्या है जो वायदे किए वो सब फर्र हो गए, किसी चीज़ को निभाए, उसमें अभी खालिस्तानी पैदा हो गए। क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई वहाँ पर? अगर वो कट्टर ईमानदार होते केजरीवाल जी तो उनके तीन तीन चार चार मंत्री अभी जेल में बंद हैं, वो नहीं होते। मैं 2020 में रिटायर्ड हुआ था और अभी मैंने एक बिजनेस भी डाला हुआ है। किसी भी ऑफिस में जाएं वहाँ बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। हर ऑफिस में भ्रष्टाचार, हर ऑफिस में किसी में जाओ भ्रष्टाचार है। उसके अलावा कोई भी कहीं ऊपर तक कर लो कोई सुनवाई नहीं है। लेटर दे के आओ, दो महीने बाद जाओ तो भी वो लेटर वहीं मिलेगा, पैसे जेब में रख दीजिए तो लेटर आगे बढ़ जाएगा। केजरीवाल तो एक गिरगिट की तरह हैं, जगह जगह जाकर के ना ही अपना रंग बदलते हैं, उसके बाद में भी उनका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है और उनका यहाँ पर कोई भी एक भी सीट नहीं निकल पाएगी। आप क्या कहेंगे केजरीवाल? केजरीवाल जी ने एक अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन में जो भाग लिया था उसका दुष्प्रभाव में एक उड़ता हुआ वायरस जिसको कोरोना बोलते हैं वो केजरीवाल है। कोरोना वायरस बोल दिया, बिल्कुल। अब वैक्सीन कौन है फिर? वैक्सीन नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को बल्कि विदेशों को बचाया है। केजरीवाल एक गिरगिट है, गिरगिट कम से कम मौसम आने पर रंग बदलता है, वो तो हर घंटे में एक रंग बदलता है। कभी प्रधानमंत्री को कुछ बोलता है, कभी राष्ट्रपति जी को कुछ बोलता है, चाहे जो मन में आए उस मंत्री बोल देता है। इन पे खुद पे अपनी दिल्ली नहीं संभल रही है। उसके अलावा पंजाब में क्या है जो वायदे किए वो सब फर्र हो गए, किसी चीज़ को निभाए, उसमें अभी खालिस्तानी पैदा हो गए। क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई वहाँ पर? तो ये केजरीवाल तो एक नाम मात्र का है। आप देशभक्त हैं, सेना में रहे हैं और बॉर्डर पे भी रहे हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए आपने, और एक कहता है कि मैं कट्टर देशभक्त हूँ। क्या कट्टर देशभक्त आप पहचानते होंगे भली भांति, क्योंकि आपकी तो बंदूक ही बता देती होगी कौन कट्टर देशभक्त है? जो देश के प्रति भावना रखता है और देश के जो नारे हैं जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान, इनको ना बोले वो दुश्मन है, और जो इसके साथ में चल रहा है वो कट्टर हिंदूवादी है, कट्टर अपना देश का है, उसके बीच में कोई संदेह नहीं है। केजरीवाल अपने आप को कट्टर देशभक्त मानते हैं, क्या कहेंगे आप? अगर कट्टर देशभक्त केजरीवाल जी होते तो ये जगह जगह अपने देश की बुराई नहीं करते, मोदी जी की बुराई नहीं करते। जो मोदी जी को अपशब्द बोल सकता है, जो पूरे देश की गरिमा है, पूरे देश का वो प्रधानमंत्री है, जनता ने चुना है, उसके बीच में भी वो गलत शब्द बोल देते हैं, ये तो अनपढ़ है, ये गंवार है, कुछ नहीं जानता है, तो ऐसी चीज़ें तो कि गद्दार ही बोल सकता है। अदरवाइज जो देश का सुशिक्षित और जनता का जो आदमी है वो नहीं बोल सकता ऐसे। आप क्या कहेंगे, वो कट्टर ईमानदार भी कहते हैं, क्या वो कट्टर ईमानदार? अगर वो कट्टर ईमानदार होते केजरीवाल जी तो उनके तीन तीन चार चार मंत्री अभी जेल में बंद हैं, वो नहीं होते। क्या कहेंगे राजस्थान में कितने वोट मिलेंगे? जीरो। जीरो। आप क्या कहेंगे ईमानदार के बारे में? ईमानदार तो बिल्कुल ईमानदार होता है, उसके मंत्री जो उसके असिस्टेंट है वो जेल में नहीं होते। मनीष सिसोदिया जी और भी हैं, उनको जेल में नहीं होते। सत्येंद्र जैन जेल में नहीं होते। उसके जो बोल रहे हैं उनको हम भारत रत्न दे देंगे, तमाम अवार्ड दे देंगे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री। बिल्कुल नहीं है, शिक्षा मंत्री सबसे सर्वश्रेष्ठ होता जेल में ही क्यों होता? कोई सुधार शिक्षा में कोई सुधार नहीं आया वहाँ पर। वो यहाँ भी फ्री में एक बांट देंगे ना? फ्री से कुछ नहीं, जनता सब फ्री से परेशान है, फ्री का लालच दे के नहीं आना चाहते, फिर लूटेगी। फ्री से जनता परेशान हर जाएगी, फ्री नहीं चाहती अभी लोग, काम चाहिए। केजरीवाल को कल वो आए थे, बोल रहे थे, पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम राजस्थान छोड़ देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल आ गए वो, क्या कहेंगे उनको? नहीं, अभी तो गंगानगर ही गए थे, गंगानगर में वो सरदार पंजाबी कम्युनिटी के ज़्यादा हैं, तो पंजाब में आम पार्टी इसकी वजह से कुछ वोट उधर हो जाए इसलिए हुआ, नहीं तो यहाँ तो कोई वजूब नहीं है, सिर्फ पंजाब के अलावा यहाँ कोई वजूब नहीं है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है। कांग्रेस भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। हाँ जी। अभी जिस तरीके से यहाँ पे 5 साल होने वाले हैं, वोट भी होने हैं, 2024 का है, क्या कहेंगे विपक्ष है। अच्छा, यहाँ पे कैसा गहलोत का शासन रहा और पिछला बहुत बेकार रहा, उससे मुक्ति चाहते हैं। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम गोविंद सुबेदार सिंह है।
मैं भरतपुर वैर विधानसभा से आया हूँ, जो कि कांग्रेस का जो अभी वजूद चल रहा है। मैं 2020 में रिटायर्ड हुआ था और अभी मैंने एक बिजनेस भी डाला हुआ है। किसी भी ऑफिस में जाएं, वहाँ बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। हर ऑफिस में भ्रष्टाचार, हर ऑफिस में किसी में जाओ भ्रष्टाचार है। उसके अलावा कोई भी कहीं ऊपर तक कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। लेटर दे के आओ, 2 महीने बाद जाओ तो भी वो लेटर वहीं मिलेगा। पैसे जेब में रख दीजिए तो लेटर आगे बढ़ जाएगा। आपको गुस्सा नहीं आता कि एक तो आपने देश के लिए इतना कुछ किया और जब रिटायर हो रहे हैं तो यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचारियों को क्या कहेंगे? सब भ्रष्टाचारियों को यही है कि यही एक मूल मंत्र है कि इनको उखाड़ फेंका जाए और ईमानदार सरकार आए, उनके ईडी की पूछताछ की जाए, जिससे कि उनके दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कुछ टाइम पहले यहाँ ईडी आई थी, गहलोत तो कह रहे थे कि बदले की भावना है, डर गए हैं, मैं तो देते देते थक नहीं रहा। सर, कोई भी चोर कभी ये बोलता है कि मैंने चोरी की है? नहीं की है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है कि नहीं मैं एक बार ही चोरी की है, उसके अलावा नहीं बोलेगा। जिसमें एक्ट में फंसा है वही बोलेगा, दूसरी चोरी कभी बताता है कोई? तो वही कांग्रेस का वजूद है। अभी 2024 का भी चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी देखा, 10 साल होने जा रहे हैं, 24 में चुनाव है। और दूसरी तरफ विपक्ष है, वो मीटिंग भी कर रहा है 24 तारीख को पटना में। एक तरफ विपक्ष है, राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, क्या कहेंगे देशवासियों? सर, ऐसा है जैसे कि मैं सेना में रहा था, जब 1994 में मैं सेना ज्वाइन की थी तो उसमें कांग्रेस सरकार थी। तो वहाँ पे कोई फौजी शहीद हो जाए या नेचुरल डेथ हो जाए, एक्सीडेंट डेथ हो जाए, कभी उसके परिवार वालों तक नहीं पहुँचती थी डेड बॉडियाँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो जब अटल जी आए, 99 का कारगिल युद्ध हुआ, उसमें एक भी डेड बॉडी ऐसी नहीं रही जो उनके परिवार वालों को ना सौंपी गई हो। तो ये सबसे बड़ा बीजेपी ने जो अटल जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जो उनके परिवार वालों का, उनके बच्चों का जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में उसका शिव मिल जाता है। आपने कश्मीर में भी काम किया होगा? जी सर, मैं 15 साल कश्मीर में भी तैनात रहा हूँ। तो वहाँ भी बहुत सारे एक्सीडेंट हैं, शहीदें होती हैं, रात दिन गोलीबारी होती है एलओसी पे। तो उसकी काफ़ी फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसके तहत जल्द से जल्द गोली लग जाए, हेलीकॉप्टर की जगह हेलीकॉप्टर दिया जाता है, गाड़ी एम्बुलेंस की जगह एम्बुलेंस दिया जाता है। तो उससे क्या है, काफ़ी सैनिकों को राहत मिलती है। आप क्या कहेंगे, जितना आपने 2020 में रिटायरमेंट हुआ, काफ़ी टाइम कांग्रेस का भी दौर देखा आपने, बीजेपी, क्या अंतर लगा कश्मीर में? सर, अंतर ये लगा कि जब पहले कांग्रेस का शासन था तो खुलेआम आतंकी सैन्य कैंपों पे अटैक होते थे, उनके ये सेना रोक ली, मर गए, ठीक है, शहीद हो गए, शहीद का भी दर्जा बाद में ही आता था, पहले हो गए, ठीक है, उनको घर वालों को सूचित किया, आपका बेटा शहीद हो गया या एक्सीडेंट में मारा गया, 2 घरवाले गए और उनका देह संस्कार कर दिया। और इसमें बीजेपी सरकार में सब कुछ उनको किया गया और बदला लिया गया कि हमारा एक मारेंगे हम, तब जाके बदलाव हुआ, आतंकवाद ख़त्म हुआ, 370 धारा में बोला आतंक आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ शांति वाल हुई। ये बहुत बड़ी बात कहें। आप भी कश्मीर में रहेंगे? हाँ जी, कश्मीर में रहें। उस जगह पर कभी भी हमारा तिरंगा झंडा नहीं फहरता था, वहाँ पर पाकिस्तान का या काला झंडा फहरता था, और जो आज वहाँ पे तिरंगा झंडा शान से फहर रहा है। कांग्रेस के ज़माने में वहाँ पर ईंट पत्थर भाले ये चला करते थे, गोलियाँ चला करती थी, आज वो सब बंद हैं। और कांग्रेस के सामने जितनी भी ये वक्फ बोर्ड है या कोई भी जो भी कानून बनाया है, वो कांग्रेस के टाइम पे ही बना है, जो कि एक देश के लिए वो कलंक है, जो बढ़ते हुए देश के लिए वो एक रोड़ा अंत बनता है। इन्होंने जो 500 साल से कांग्रेस के टाइम पर एक राम मंदिर जो था उसके ऊपर विवाद कांग्रेस वाले चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उस केस को भी बीजेपी ने सॉल्व किया और बड़े अच्छे से अभी देश चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबेदार दिगंबर सिंह है। सुबेदार दिगंबर सिंह जी, आप क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से यहाँ पर गहलोत की सरकार है और राहुल गांधी का भी बर्थडे है, देश सुरक्षित है या देश असुरक्षित है? मैं तो यही कहूँगा कि आज जो पप्पू डे है, इसको पप्पू डे ही मनाया जाएगा। और गहलोत सरकार ने जितनी भी 5 साल के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा गद्दारी और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, और जगह जगह पेपर लीक, हर जगह जहां भी जाओ किसी भी पेपर को लीक हो जाता है पहले ही, और उनके जो मेहनती बच्चे हैं
वो मेहनती बच्चे रह जाते हैं और पैसे वाले उनको पेपर पास कर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी है और हम ये चाहते हैं कि इस निकम्मी सरकार को निकाल के फेंकना चाहिए। तो आप ये गहलोत की निकम्मी सरकार मानते हैं और पेपर लीक का मामला आप बड़ा मानते हैं, क्या जिस तरीके से वो तमाम जगह वादे कर रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारे जो तो कांग्रेस जो जहां गवर्नमेंट है बिल्कुल सब खुश हैं, हम सारी गारंटी हैं, रोज़गार सबको मिल रहा है, क्या सभी रोज़गार मिल चुके हैं सब यहाँ? आज तक जितने भी रोज़गार मिले हैं सब भ्रष्टाचारियों को, और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है उनको रोज़गार मिला है, और जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको रोज़गार नहीं मिला है। ये कांग्रेस सरकार की नीति है और ये इसी की वजह से मेहनती बच्चे जो रह रहे हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी तरक्की वो की, उसके बावजूद भी हम पास नहीं हो पाए, क्योंकि उनका तो वही था अपने आदमियों को निकालना था, जो उन्होंने अपने आदमी निकाल करके ना ही पास करके ना ही कर लिए। सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे? सचिन पायलट तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो वो किसी भी मतलब मुर्गी बराबर हो गई है कि कहीं के भी नहीं रह गए वो, तो इसलिए उनका अभी कोई औचित्य ही नहीं रह गया है, ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। अभी केजरीवाल कल आए थे गंगानगर में, कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ला रहे हम बहुत नहीं। केजरीवाल तो एक गिरगिट की तरह हैं, जगह जगह जाकर के ना ही अपना रंग बदलते हैं, उसके बाद में भी उनका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है और उनका यहाँ पर कोई भी एक भी सीट नहीं निकल पाई। दिल्ली में रहते हैं, आपने यहाँ से उनका कलर कैसे देख लिया? मैं दिल्ली में भी रहता हूँ और यहाँ पर भी रहता हूँ, दोनों जगह रहता हूँ, राजस्थान में भी, तो मैं राजस्थान दिल्ली में रहते हुए और यहाँ पर उनकी जो टीवी वगैरह पर जो न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो वो गिरगिट की तरह ही रंग बदलते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। अन्ना हजारे के साथ थे तो वो अलग कलर था? नहीं, अन्ना हजारे के टाइम पर अलग चीज़ थे, केजरीवाल जी उस टाइम पर अलग थे, अभी अलग चीज़ हो गए, अभी उन्होंने अपने खुद के पास में इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो अभी अन्ना हजारे जी को भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत जय हिंद। जय हिंद।